जो पहाड़ है ना देवी गली का, इसके बिल्कुल टॉप पे देखें जी, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। उस पहाड़ पे ना बादल आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक नए ब्लॉग में आपका वेलकम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तत्ता पानी के मुकाम पे, एग्जैक्ट जहाँ पे चश्मा होता है, ठीक है, वहाँ से चश्मा निकलता है। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख सकते हैं कि मैं तत्ता पानी आया हूँ और यहाँ पे एक चश्मा है जो कि गर्म पानी निकालता है, जिसे पहाड़ी जुबान में तत्ता पानी कहते हैं। यहाँ से मेरा प्रोग्राम है बंजोसा लेक जाने का। मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, मज़े का है, ठंडी हवा चल रही है और धूप भी निकली हुई है। और ये मेरे साथ जो है ना बह रहा है, आप देख रहे हो दरिया, ये दरिया पुंछ है, ठीक है। और आज हजीरा रोड से जाएंगे आगे रवलाकोट बंजोसा झील पे, ठीक है। बगैर टाइम जाएँ कि ये आगे निकलते हैं बंजोसा लेक की तरफ। ये अपना मोटरसाइकिल पार्क है और निकलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाई गाला बाजार से आगे एक रोड आती है जिसे देवी गली रोड कहते हैं। वहाँ पे हमने अपना बाइक पार्क किया है और इस पहाड़ पे हम चढ़ रहे हैं। कहते हैं कि बड़ा व्यू आता है और इसकी हाइक है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। धूप निकलना शुरू हुई है और हम समझे कि जो पहाड़ है ना देवी गली का, इसके बिल्कुल टॉप पे देखें जी, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त हैं और यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं है, बाहर धूप है, ठीक है। ये बाहर अभी धूप निकल आई है। बंजोसा लेक जो है ना यहाँ से तकरीबन 15 मिनट दूर है, ऑलमोस्ट तकरीबन 10 किलोमीटर रह गया। तो अभी चलते हैं बंजोसा लेक वाली साइड पे। ये रोड जाती है जी बंजोसा लेक वाली साइड पे, जहाँ पे हम 10 मिनट में पहुँचने वाले हैं, ठीक है। और व्यू खुल रहा है जी, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। उस पहाड़ पे ना बादल आए हुए हैं और इस पहाड़ से हम उतरे हैं और ये देखें जी, बंजोसा लेक पे पहुंच आए हैं और ये है जी बंजोसा लेक। ये देखें जी, यहाँ से जाता है जी पानी नीचे और ये सारी बंजोसा लेक है। बारिशों का सीज़न है इसलिए मौसम भी क्लियर है। अभी हमारे पहुंचने से 10 मिनट पहले ही बारिश हुई है। अभी ये देखें ना जगह अभी गीली है, लेकिन यहाँ के जो टूरिस्ट आने वाले हैं उन्होंने गंद बहुत डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा गंद डाला हुआ है। और ये जुर्माना होना चाहिए इन शॉप वालों को कि अगर ये चीज़ें देते हैं तो डस्टबिन होने के बावजूद, एक तो आवाम नहीं डालती, दूसरा ये है कि खुद भी ये केयर नहीं करते प्रॉपर। एक दो बंदे होने चाहिए जो 12 घंटे जब तक पब्लिक यहाँ पर होती है ना, यहाँ से घूम के कचरा वगैरह उठाते जाएं।
क्योंकि जब फैमिली जब आती है उनके साथ बच्चे होते हैं, बच्चे तैयार नहीं करते। आज तो ये हैं पकोड़े और ये हैं समोसे, आपने तो कभी देखे नहीं होंगे। ये ऐसे लगता है जैसे ये 5 से 7 बार इसको तला है और फिर जो ना हमारे हुजूर पेश किया है, बहुत ज़्यादा सख्त हैं। तो बात करते हैं आप इस झील की, ठीक है। ये मैन मेड झील है, ठीक है, मतलब ये कि आर्टिफिशियल झील है, ये कुदरती झील नहीं है, कुदरती लेक नहीं है, ये लोगों ने खुद बनाई है। क्योंकि पहाड़ों से जो बारिश होती है उसका पानी आता है और वहाँ पे उन्होंने दीवार बना के ना तो उसको रोका हुआ है और एक पॉइंट बना दी है। ये छोटे छोटे रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस बने हैं, वो सामने शॉप्स हैं और वहाँ से हमने लिए हैं समोसे पकौड़े जो किसी काम के नहीं है। रेट कोई नहीं ज़्यादा, रेट नॉर्मल है, जो हमारे घर के बाज़ार में इस्लामगढ़ में रेट है वही रेट यहाँ पे है। ट्रैक जो है ना एक ये है आगे तक जाता है, वहाँ जो रेस्ट हाउस है वहाँ तक, और ये घोड़े वगैरह भी हैं, घोड़ों पे भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो। हम चलते हैं आगे ट्रैक वाली साइड पे, देखते हैं कि कितना हम आगे जा सकते हैं इस ट्रैक पे और कैसा ट्रैक है, ये भी आप लोगों को दिखाते हैं और ख़ुद भी इंजॉय करते हैं जी। रोड कंडीशन ओवरऑल ज़बरदस्त है, कारपेट रोड है, एनी टाइम आ सकते हैं, कोई भी कार वगैरह ले कर आ सकते हैं। ये जी एक रास्ता यहाँ से भी आगे जा रहा है, ठीक है, हम चलेंगे आगे, देखते हैं कि रोड से क्या आगे क्या हमें नज़र आता है। ये इसका मैं आपको बता रहा था कि जब पहाड़ों पे बारिश होती है ना, अभी बारिश का पानी है वहाँ से आ रहा है और इसके नीचे पाइप डाले हुए और पाइप से आगे ये पानी निकल के लेक में जाता है जिससे बनती है बंजोसा लेक। और बंजोसा लेक को बंजोसा लेक क्यों कहते हैं, बंजोसा इलाके का नाम है और ये झील बनाई हुई है इसलिए नाम बंजोसा लेक रख दिया, ठीक है। ये वैसे इलाके का नाम भी पंजोसा ही है। ये भी ऊपर मेरे ख्याल से पार्क टाइप कुछ बनाया हुआ है, कुछ झूले वगैरह, लेकिन प्राइवेट हैं, गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस। मैं तुम लोगों को पूरा 360 व्यू दिखा रहा हूँ, 360 वॉक मैंने किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी। हम वहाँ स्टॉप करेंगे जहाँ पे हमने बाइक पार्क किया था और ये वो पूरी लेक के सब तरफ ट्रैक है राउंड अबाउट, और ये हम जाएंगे यहाँ से होते हुए अपनी बाइक के पास, और कुछ लोग वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, कुछ यहाँ से वहाँ जा रहे हैं।
बंजोसा लेक का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। यहाँ पे मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गबरू भाई को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।